हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि प्रियंका एंड एमसी स्टैन के बीच में अब इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो रही है कि वो पहले से ही आइडिया लगा रहे हैं दोनों मिलकर कि कोई भी काम होगा, कोई भी नॉमिनेशन से बचने के लिए ना जे घर वाले किसी भी हद में गुजरने को तैयार हैं। तभी एमसी स्टैन कहते हैं कि अगर मान लो घर में फैमिली आती है और हम सभी लोगों को चुपचाप करने के लिए कहा जाता है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना होता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, चिट्ठी वाला टास्क हुआ था, वैसा ही हमें कुछ करने को लेकर कहते हैं और हमारे आई बाबा घर में आते हैं। तो मुझे लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं प्रियंका, जो बंदे नॉमिनेशन से सेफ होने के लिए अपने आई बाबा को भी इग्नोर कर देंगे। तो प्रियंका कहती है कि हाँ एमसी, मैं तुम्हारी जी बात से सहमत हूँ, मुझे काफ़ी जानों पर मैं श्योरली कह सकती हूँ कि वो बंदे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और वो अपनी मॉम और डैड को ऐसे ही जाने देंगे। तभी एमसी स्टैन कहते हैं कि मुझे ये बात तो पता है कि तू भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तू भी कुछ ना कुछ हरकत कर ही देगी। और तभी प्रियंका कहती है कि मुझे शिव एंड एमसी स्टैन का तो पक्का पता है कि ये तो अपनी फीलिंग को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और इनको नहीं डर लगता है नॉमिनेशन में आने के लिए, ये तो कोई ना कोई हरकत कर ही देंगे। लेकिन जो बंदे नॉमिनेशन से डरते हैं, जिनको पता है कि हम घर से जा सकते हैं, वो बंदे अपने आई माँ और अपने भाई किसी भी रिलेटिव को वो इग्नोर कर देंगे। तभी एमसी स्टैन उनसे नाम पूछते हैं कि प्रियंका तुम्हारी नज़रों में वो कौन है। तभी प्रियंका कहती है कि पहले तो मैं सौंदर्य को कहूँगी, फिर निम्रत का भी हो सकता है, अर्चना तो पक्का ही है, और टीना तुम गुस्सा मत मानना लेकिन मुझे तुम पर भी डाउट है। तभी टीना दत्ता कहती है कि हाँ मैं टास्क के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप जो शिव ठाकरे एमसी स्टैन है एंड प्रियंका चौधरी की जी बातों से आपका क्या रिएक्ट है और आपको क्या लगता है कि इस गेम में बने रहने के लिए कौन से सदस्य ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।